बट गाइज वेलकम बैक टू अन वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जेई मेन के जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब रिलीज होंगे, ओके, और क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपको आंसर की मैच करने और कैसे आपको काउंट करने हैं कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो भी अपडेट आएगा जेई मेन की तरफ से मैं आपको बता दूंगा, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो पहुँच पाए आप तक, ओके। सो आई होप सारे बच्चे जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनके एग्जाम काफ़ी अच्छे गए होंगे, और जिनके अच्छे नहीं भी गए होंगे, अगर किसी वजह से उनके एग्जाम खराब गए होंगे तो डेफिनेटली आप लोग सेकेंड अटैम्प्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ओके। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे आप सेकेंड अटैम्प्ट में कम से कम 20 से 30 मार्क्स तो जरूर से जरूर इंक्रीज कर पाओ, ओके, और ये पॉसिबल है, आप कर पाओगे, ठीक है। जो जितनी आपने प्रिपरेशन फर्स्ट अटैम्प्ट तक करी थी उसी प्रिपरेशन को आपने कंटिन्यू करते हुए आप अपनी मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। ऑलराइट, सो बात करते हैं कि आपके जेई मेन का ऑफिशियल आंसर की कब रिलीज होंगे। सो देखिए, आज 29 तारीख है, आज आपका एग्जाम खत्म हो गया है, और शायद कुछ सेंटर पर लाइक जहां पर सर्वर इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से बहुत लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उस सेंटर पे उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को वो एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ जगह पे एग्ज़ाम 30 को भी हो, ठीक है, बट ये रेयर केसेस है। बट अगर आपके 30 तारीख को एग्ज़ाम कहीं हो भी रहे होंगे तो जो एग्ज़ाम जिस दिन कंप्लीट होता है ना उसके दो दिन बाद आपके रिस्पॉन्स शीट रिलीज हो जाते हैं। अब ये रिस्पॉन्स शीट क्या होता है, रिस्पॉन्स शीट मतलब कि एक पेज होता है, ठीक है, पीडीएफ होता है जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपने सॉल्व किए होते हैं और जो आपने सॉल्व नहीं भी किए होते हैं, ठीक है, जो अटेम्प्ट किए हैं वो भी होते हैं, जो अटेम्प्ट नहीं किए तो वो भी होते हैं, और क्वेश्चन के साथ बगल में उस क्वेश्चन का आईडी दिया होता है, और चार ऑप्शन होते हैं तो चारों ऑप्शन का अपना अपना आईडी होता है, ठीक है, नंबर फॉर्म में होता है, और फिर हम लोग को जो आंसर रिलीज होता है, जो एनटीए आंसर देता है उससे हम लोग को मैच करना होता है कि इस क्वेश्चन आईडी का आंसर क्या है, ठीक है, उस क्वेश्चन आईडी का आंसर दिया होगा, उस कुछ आईडी में दिया होगा और हम लोग को इससे मैच होता है, ठीक है, मैच करना होता है। तो ये प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा जब भी रिलीज हो जाएगा, मैं आपको अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको काउंट करने है, कैसे आपको मैच करने है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 31 जून या 1 जुलाई तक आपके रिस्पॉन्स शीट रिलीज हो जाएंगे आंसर की, फिर उसके बाद आप क्लेम कर पाओगे कि आपको ये ऑप्शन, मतलब ये क्वेश्चन है इसका आंसर जो एनटीए वाले रिलीज किए हैं वो गलत है, ठीक है, तो आप क्लेम कर पाओगे। तो 2-3 दिन तक टाइम रहता है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज होता है, या बोनस जो भी क्वेश्चन में मिलने वाला होता है, बोनस वाला क्वेश्चन को वो लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, ओवरऑल, फिर उसके बाद फाइनल आपको 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। सो जब भी आता है मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, सो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।